नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के बारे में। पहली खबर है, अंकुश राजा की एक्ट्रेस ने शॉर्ट्स पर पहनी साड़ी तो भर के लोग एक बोला, साड़ी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। जी हम आपको बता दें, भोजपुरी एक्टर अंकुश राजा के साथ गाना तोता उर मैना उर का धमाकेदार डांस करने वाली एक्ट्रेस सोना पांडे का साड़ी पहनने का स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आया और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। जहां उनके फैंस उनके डांस नंबर की तारीफ करते थे, वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस की साड़ी देखकर भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर लताड़ भी रहे हैं। कईयों ने कहा है कि साड़ी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है और इन्होंने उसका मजाक उड़ाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इमरान हाशमी के फेमस गाने को पवन सिंह ने दिया भोजपुरी रंग, देखते ही देखते वायरल हो गया वीडियो। जी हम आपको बता दें कि दशहरा के मौके पर पवन सिंह का नया गाना लुट गए रिलीज हो चुका है और गाने को टी सीरीज ने रिलीज किया है। ये गाना इमरान हाशमी के फेमस बॉलीवुड गाने का भोजपुरी रीमेक है। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड गाने को भोजपुरी रीमेक बनाने का ट्रेंड चल रहा है। कुछ ही घंटे में गाने को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपिन सिंह का देवर भौजा स्पेशल गाने पहुंचा लाखों पार। जी हम आपको बता दें, भोजपुरी गायक विपिन सिंह के गाने का इंतजार भोजपुरी दर्शकों को रहता है। भोजपुरी के दर्शक विपिन सिंह के गाने को खूब पसंद करते हैं। उनके गाने YouTube पर रिलीज के साथ ही तहलका मचाने लगते हैं। इसी बीच हम आपको बता दें, विपिन सिंह के ऐसी ही नए रिलीज गाने के बोल जो है वो किए गए हैं। इस म्यूजिकल वीडियो को YouTube पर 2 साल पहले जारी किया गया है। रिलीज के साथ ही इस म्यूजिकल वीडियो को दर्शकों की ओर से खूब प्यार मिल रहा है। ये गाना रिलीज के बाद ही अब तक 3.5 लाख के करीब बार देखा जा चुका है। इस वीडियो को 19,000 के करीब लाइक्स भी मिल चुके हैं। ये एक मस्ती भरा म्यूजिकल सॉन्ग है। इसमें विपिन सिंह का अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोल्ड लुक से बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं रानी चटर्जी। मस्तराम में कर चुकी हैं एक्सपोज। जी हम आपको बता दें, अभिनेत्री रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उन्होंने इस इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दी हैं। इसी वजह से उनकी एक्टिंग के लाखों लोग दीवाने हैं। वे अक्सर ही फैंस के बीच अपनी बोल्ड व खूबसूरत तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीर शेयर करती रहती हैं। रानी चटर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रख चुकी हैं। वे वेब सीरीज मस्तराम में नजर आई हैं। इस वेब सीरीज में रानी चटर्जी के काम को लोग खूब ज़्यादा पसंद किया गया था। ये रानी की पहली वेब सीरीज थी। इस वेब सीरीज में उन्होंने राज कली का किरदार निभाया था, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शानदार लव स्टोरी वाली भोजपुरी फिल्म विवाह 2 का ट्रेलर हुआ वायरल। जी हां, अक्षरा और शहर के बीच दिल को छू लेने वाली प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म विवाह 2 भोजपुरी पर्दे पर पारिवारिक फिल्मों का दौर वापस आने वाली फिल्म विवाह के सीक्वल विवाह 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर इंटरटेन रंगीला पर रिलीज किया गया है, जो कि रिलीज के बाद ही खूब वायरल हो रहा है। लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ बिग बॉस OTT से लौटने के बाद अक्षरा सी की ये पहली फिल्म होगी जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूलतः हम आपको बता दें कि ये ट्रायंगल लव स्टोरी वाली फिल्म है, जिसमें शहर और अक्षरा के साथ चिंटू की केमिस्ट्री बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो भोजपुरी तड़का में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।